सोलन में आज मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह तक तो सोलन में तेज धूप निकली हुई थी कि अचानक बादल छा गए और बूंदाबांदी होने लगी। हल्की बारिश होने की वजह से ही सोलन में एकदम ठंड पड़ गई। लोग आग सेकते हुए नजर आए तो कुछ लोग ठंड से बचने के लिए गर्म सूप की चुस्कियां भी ले रहे थे। ठंड की वजह से शहरवासियों को आज ही गर्म कपड़े निकालने पड़ गए हैं। अचानक हुई बारिश ने दिनचर्या अस्त व्यस्त कर दी है। इस बारिश को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार ठंड पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा होगी और सोलनवासियों को क्रिसमस तक बर्फ देखने को मिलेगी। सोलन में मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह तक तो सोलन में तेज धूप निकली हुई थी कि अचानक बादल छा गए और बूंदाबांदी भी होने लगी। हल्की बारिश होने की वजह से ही सोलन में एकदम ठंड पड़ गई। लोग आग सेकते हुए नजर आए तो कुछ लोग ठंड से बचने के लिए गर्म सूप की चुस्कियां भी ले रहे थे। ठंड की वजह से शहरवासियों को आज ही गर्म कपड़े निकालने पड़ गए। अचानक हुई बारिश ने दिनचर्या अस्त व्यस्त कर दी। इस बारिश को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार ठंड पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा होगी और सोलन वासियों को क्रिसमस तक बर्फ देखने को मिलेगी। इस मौके पर शहरवासियों ने खुशी जताते हुए कहा कि आज काफी समय बाद सोलन में बारिश हुई है और पता चला है कि शिमला में बर्फबारी भी हुई है, जिसकी वजह से सोलन में ठंड भी ज्यादा हो गई है और सोलन आज जन्नत से कम नहीं लग रहा है। उन्होंने बताया कि अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो जहां एक और बारिश का फायदा किसानों को मिलेगा, वहीं शहर में होने वाले पानी की कमी की समस्या से भी निजात मिलेगी। उन्होंने अनुमान लगाते हुए कहा कि अगर इसी तरह सोलन में ठंड बनी रही तो जल्द ही सोलन में बर्फ भी गिर सकती है। आज मेरा राजस्थान गया था, कल मैं राजस्थान से आया, वहाँ इतनी गर्मी भैया, इतने मतलब वो जब मैं यहाँ आया अपने हिमाचल, तो यहाँ आके मुझे लगा भी अब मैं जन्नत में आ गया। और आज बारिश देख के इतना एक्साइटेड हुआ मैं, भाई इतना अच्छा मौसम यहाँ हमारे सोलन का, और बाहर तो इतना बुरा हाल है गर्मी से, यहाँ इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा मुझे लग रहा है। इतने दिन से यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ अभी थोड़ी गर्मी जैसी महसूस हो रही थी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भी यहाँ हमारे यहाँ बारिश हुई है। और ये हमारा हिमाचल प्रदेश जन्नत है, सोलन खास करके सोलन। अब बारिश हुई है तो मौसम की वजह से फसल तो होगी, अच्छी हरी फसल होगी, हरियाली आएगी इस, और हमारे हिमाचल में मतलब बहुत अच्छा मतलब ये अब स्नोफॉल होने की भी संभावना हो गई है भैया। मैंने सोचा तो नहीं था, पर दिन में जो मौसम है वो बहुत अलग तरीके से चेंज हो गया एकदम, सो उससे बारिश हुई, बहुत ठंड मतलब कि यहाँ बहुत अच्छे तरीके से है। यहाँ सोलन में तो बहुत अच्छी ठंड है और शिमला में तो सुना है बर्फ़ भी गिरी है, सो इसके कारण थोड़ा ठीक ही है। ये तो सर, ये तो बात बहुत अच्छी है कि यहाँ बारिश हो रही है तो फिर उस कारण हमारी फसलें अच्छी उगेगी। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ सोलन में पानी की बहुत समस्या है, 10-10 दिनों तक लोगों के घर में पानी नहीं आता है, आता है तो फिर क्या बोलते हैं, अब ये वो समस्या भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस्ट्रो के साथ। नमस्कार।